प्रियंका का ऐलान, महिलाओं को मिले उनका अधिकार। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। 40% महिलाओं को कांग्रेस देगी टिकट। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। क्या आगामी चुनाव में महिलाएं कांग्रेस की बंजर खेत में उगा पाएंगी फसल? उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशक से राजनीति वनवास झेल रही कांग्रेस ने आखिरकार वो कदम उठा ही लिया है जो सभी राजनीतिक दलों को बैकफुट पर ला सकता है। मंडल कमंडल की राजनीति दावपेच में उलझकर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस को एक बार फिर लड़ाई में एंट्री दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने सीधे आधी आबादी की तरफ रुख कर लिया है। 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर प्रियंका गांधी ने नेता के तौर पर खुद को सेंटर में ला दिया है। अब सबकी नजर विपक्षियों की तरफ है। प्रियंका के ऐलान के बाद बसपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तुरंत ट्वीट कर प्रियंका गांधी की घोषणा को चुनावी नाटकबाजी करार दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी अपनी सांसद को बयान के लिए उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल रह चुकी बेबी रानी मौर्य से बयान दिलवाकर मैदान में महिला नेताओं की उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन क्या प्रियंका के इस घोषणा से सबसे अधिक पशुपेश में समाजवादी पार्टी है? क्या प्रियंका के इस काट के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतरना पड़ेगा? अभी तक आधी आबादी के मुद्दे पर डिंपल यादव मुखर नहीं हुई, तो क्या ये चुनाव इन्हीं महिला नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगा? प्रियंका के इस दांव पेच को समझने के लिए यूपी के 1.5 दशक के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालना होगा। 2012 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो चुनाव आयोग के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतदाताओं की संख्या 12,74,92,836 थी। चुनाव में इनमें से पुरुषों के 58.68% वोट यानी कि 4,12,25,412 वोट और महिलाओं के 60.28% वोट यानी 3,45,03,16 वोट पड़े, यानी महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत पुरुषों से आगे रहा। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतदाताओं की संख्या 14,16,63,646 थी। पुरुषों के 59.14% वोट यानी कि 4,55,07,067 वोट पड़े और महिलाओं के 73.30% वोट यानी कि 4,90,61,023 वोट पड़े, यानी महिला वोटर फिर आगे रही। जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर पुरुषों से पीछे थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2007 के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतदाताओं की संख्या 11,35,49,350 थी। वोटिंग के दौरान इनमें से पुरुषों के 49.35% वोट और महिलाओं के 41.91% वोट पड़े थे, यानी कि महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका पॉलिटिक्स शुरू की है। जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व सांसद डिंपल यादव के साथ बीजेपी को भी महिला चेहरा उतारना पड़ेगा। आधी आबादी के महत्व को देखते हुए सभी पार्टियां अपने महिला नेताओं को तो आगे ला रही हैं, लेकिन कौन इसमें बाजी मारेगा यह भी कहना गलत होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो कांग्रेस का ये दाव उसे यूपी में मजबूती दिलाएगा।